हाँ जी लें दोस्तों। मैं जी ऊपर इस वक्त बैठा हूँ, ये देखें डर बड़ा ज्यादा लग रहा है, ये देखें जरा ये व्यू। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको मैंने बोला हुआ था जिस तरह से जे हम जो है ना वो कलर करेंगे, ठीक है जाल को, ये देखें। तो ये हमने जी फिर सीढ़ी लगाई है बावड़ा वाली, ठीक है ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, ये देखें ठीक है बावड़ा वाली। एक ये सीढ़ी है, एक उस दिन मैं लेके आया था वो ये नीचे लगाई हुई है, ये देखें ये दोनों सीढ़ियाँ जी बावड़ा वाली हैं। और आपको पता हम तो बावड़ा के अंदर बैठे हुए हैं, इधर मतलब पास ही बावड़ा, और वहाँ से जाना मैं फिर दो सीढ़ियाँ लेके आया। तो खैर दोस्तों वो तो काफ़ी दिन पहले की आई हुई है, जिस दिन वो दूसरी सीढ़ी टूटी थी ना उस दिन की लेके आया था। बाकी आज दोस्तों मैं जरा ना ऊपर जाल पर जाने लगा हूँ, ये देखे सीढ़ी सीढ़ी लगा के, तो इसको कलर करने लगा हूँ, ठीक है। और इस बार जो है वो कलर हम करेंगे इससे रूले के साथ, ठीक है। पहले जो हम करते थे वो मतलब ब्रश के साथ करते थे, उसका ये था कि चलो जाल नीचे होता था, अच्छे तरीके से जरा जहाँ से रह जाता था वहाँ पर काट लेते थे। बाकी ये है कि अब इससे करेंगे, इसे ऊपर से जाके वो तो इसके साथ मतलब इजीली ऊपर बैठ के कर लेंगे ना। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा काम होगा वो इधर नीचे से इसको डंडा लगा के नीचे से ये देखें, तो इसके अंदर तो फिर जाना करने को डंडा भी ये पड़ा हुआ है। तो खैर दोस्तों इसके ऊपर जाता हूँ मैं, थोड़ा सा ना आपके साथ ज़रा ऊपर का माहौल शेयर करता हूँ कि कहाँ तक जो है ना ऊपर चढ़ के नज़र जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जी सीढ़ी है और कितनी लंबी सीढ़ी है, बड़ी मुश्किल से दोस्तों सीढ़ी ऊपर जाना मैंने लगाई है, और सीढ़ी लगाते समय सीधी नहीं हो रही थी। ओह बड़ा दोस्तों जाल जाना वो हिल रहा है। बाकी अभी यहाँ पे आया हूँ तो ये देखें ऊपर का माहौल नज़र आ रहा है जी, सभी कुछ ही जाना नज़र आता है थोड़ा सा। और मैं ऊपर होता हूँ मैं तो कहता हूँ सीढ़ी थोड़ी सी सीधी ना कर लें। ये देखें ऊपर से दोस्तों कबूतर भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जो बैठे हुए हैं ऊपर नज़र आ रहे हैं जी। तो ये हो गया जी जाल का ऊपर का व्यू, ये देखें ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम इसको रंग शंग करेंगे, और वो मास्टर साहब का भी जाल नज़र आ रहा है जी, ठीक है ये देखें हरियाली हरियाली हर तरफ है। तो बाकी खैर अब ज़रा मैं नीचे से सामान ले आऊँ, तो फिर जो है ना वो सारा काम करते हैं साथ में, बाद में जो आपके साथ शेयर करूँगा सारा कुछ। नहीं दोस्तों ये कलर हो गया जी, बाकी ये देखें कबूतर ज़रा बाहर निकला है, दरवाज़ा खुला छूट गया था, मैं नीचे दोस्तों गया हुआ था पानी पीने के लिए। बाकी ये जी आपका कलर है माशाल्लाह से, और पहले का आपने देखा था इतना ज़्यादा नहीं था मतलब ख़राब हुआ, फिर भी जो है ना हमने कर दिया ताकि सर्दी में आगे जो है ना वो काम दोस्तों ख़राब जो है ना वो ना होगा, ठीक हो गया जी। तो लाल कलर मैंने ये बाँसों को किया है जी, ठीक है, और ये अंदर जो फटे लगे हुए हैं इनको किया, क्योंकि दोस्तों मैं ना थोड़ा सा तंग हूँ येलो छतों की वजह से, पास पास इधर येलो छतें हैं तो उसकी वजह से ना फिर कबूतर अपसेट हो जाते हैं, यूँ समझ लें लाल और जो है ना येलो, ठीक है ये फिर जो है ना वो कलर हो गया। ये जो मतलब इजाफी था ये मैंने फिर इनके साथ जो है ना वो कर दिया, ये देखें दीवार के साथ, ठीक है जी। तो बाकी ये हो गया जी, तो अभी काम बड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है नीचे दोस्तों, अभी करने वाला कलर। तो यूँ समझ लें मैं मतलब गर्मी शर्मी बड़ी थी जी, तो ठहर ठहर के जाना वो फिर करता रहा हूँ। तो अब जाना दाना पानी का टाइम हो गया, दाना पानी जरा हम कर लें कबूतरों को, ठीक है। तो ये देखें इसमें हमने जाना रंग बनाया हुआ था, अभी भी सारा सामान आपके सामने ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर जाना आज तक के दिन शेयर कर देंगे, अभी जरा काम शाम लगे हुए हैं, चलो थोड़ा सा जो है ना वो सब भाइयों को भी जो है ना वो क्यों ना दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना कबूतर शबूतर दोस्तों आपको पता है लैस हो रहे हैं ये देखें माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना रंग शंग हो जाएगा, नीचे का भी जो है ना वो क्लियर करेंगे, देखिए नीचे का भी जो है ना वो अभी नहीं साफ नज़र आ रहा, ये भी दायरे शायरे भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है ना वो सेट हो जाएगा काम। चलिए अंदर से भी जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये जी रेड कलर हमने ये फटे को कर दिया, ये जो ऊपर लगे हुए हैं जिनके ऊपर कबूतर बैठते हैं इनको जी, ठीक है जी। इससे थोड़ा सा ना दोस्तों और ज़्यादा खूबसूरती हो गई है, ज़रा दो कलर जो बन गए हैं जिस वजह से। तो ठीक है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अब अपनी राय बताइएगा कि अब आपको जो है ना वो कलर कैसा लग रहा है, ठीक है। दो में याद रखिएगा अपने भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।